नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आप लोग देख रहे हैं साइबर कैफे चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों NIOS एडमिशन और रिजल्ट और बाकी सारी चीज़ों की, कि NIOS में बच्चे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कब पास होते हैं, कब उसका प्रैक्टिकल होता है, कब TMA होता है और क्या क्या NIOS की प्रोसीजर जो होता है कम्प्लीट, वो हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है जो इसी चैनल पे है, और पहले जब मेरे चैनल का नाम शायद नॉलेज वर्ल्ड था या ज्ञान की बात, तब मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने इसी इन्हीं चीज़ों के बारे में डीपली आपको डेट वाइज काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, और लेकिन जो पॉइंट उस वीडियो में छूट गए थे वो पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको आज क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एडमिशन जो है इसका अप्रैल में स्टार्ट होता है। मैं ये अप्रैल सेशन के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका एडमिशन जब हम लेते हैं तो ब्लॉक वन स्ट्रीम वन स्ट्रीम में का जो सेक्टर होता है, जैसे एडमिशन लेते टाइम ब्लॉक वन स्ट्रीम वन, उसके अंडर में ये अप्रैल वाला जो एडमिशन है वो आता है। तो एडमिशन लेने के बाद लगभग 10 से 15 दिन में जब एडमिशन कन्फर्म हो जाता है तो उसके बाद एडमिट कार्ड, पहले ऑफलाइन आता था लेकिन अब ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड हम लॉगिन करके उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें एडमिट कार्ड मिल जाता है, उसके बाद हमारी स्टडी सेंटर में जो है वो क्लासेस वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद स्टडी सेंटर में क्लासेस स्टार्ट होने के बाद हमारी जो बुक्स हैं वो भी हमें स्टडी सेंटर से ही मिलती हैं, और उसके बाद बुक्स मिलने के बाद हमें एक TMA की बुक अलग से मिलती है जिसमें सारे सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करके हमें फाइल बना के स्कूल में जमा करनी होती है हमारे स्टडी सेंटर पे। तो स्टडी सेंटर में वो फाइल जमा करने के बाद हमारे नंबर, उसके लगभग 20 नंबर लगते हैं, 15-20, जैसे भी हमारी फाइल बनती है जिस हिसाब से हमें टीचर प्रोवाइड करवाते हैं। और उसमें जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए होम साइंस या साइंस स्टूडेंट बच्चों के लिए बायोलॉजी वगैरह के प्रैक्टिकल, उसके नंबर अलग होते हैं, मतलब TMA के नंबर अलग होते हैं और प्रैक्टिकल के नंबर अलग होते हैं। और एंड में जो थ्योरी आती है तो थ्योरी के नंबर जो है वो हमें मिनिमम उसमें 21 नंबर लाने होते हैं। अगर हमारी मान लीजिए 60 नंबर की थ्योरी है तो हमें उसमें मिनिमम 21 नंबर तो लाने ही होते हैं तभी हम पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसके नंबर में TMA और प्रैक्टिकल में पास हो चुके हैं तो हम थ्योरी में भी पास हो जाएंगे, उसके लिए हमें अलग से 21 नंबर लाने जरूरी हैं। तो ये था दोस्तों TMA थ्योरी और उसका प्रोसेस। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अगर हमारा अप्रैल का सेशन है तो फरवरी में हमारे जो पेपर फीस है, एग्ज़ाम फीस दोबारा जो लगती है, एक तो एडमिशन फीस जब एडमिशन के टाइम पे लगती है और दूसरी एग्ज़ाम फीस है जो पेपर से कुछ दिन पहले लगती है, वो अगर हमारा अप्रैल का सेशन है तो फरवरी में वो एग्ज़ाम फीस हमारी लगती है, और मार्च में लगभग हमारे एडमिट कार्ड आ जाते हैं प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल का पेपर अलग होता है दोस्तों, प्रैक्टिकल अलग से देना होता है और थ्योरी जो होता है वो अलग से देनी होती है। थ्योरी अगले अप्रैल में ही आती है और प्रैक्टिकल जो है मार्च में उसके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके आगे हम और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, और आई कार्ड मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आई कार्ड कब आता है। और एक चीज़ और है दोस्तों, पास होने के बाद हमें सर्टिफिकेट कहां से मिलता है, तो पास होने के बाद हमारा सर्टिफिकेट जो है वो हमारी स्टडी सेंटर से ही मिलता है। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि NIOS की प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड है वो कब निकलता है, तो NIOS का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो है वो एक महीने पहले, मतलब थ्योरी के एग्जाम के एक महीने पहले निकलता है। एक और बात ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि NIOS जो है ये एक ओपन बोर्ड है, तो इसमें ज़्यादातर फेल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए हमें एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर हम एक सब्जेक्ट में अगर बाय चांस फेल भी हो जाते हैं तो हम 5 सब्जेक्ट जिसमें पास हुए हैं उसके हिसाब से हम पास ही कहलाएंगे,
और हम पास हो पाएंगे आसानी से। अगर हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। जब उसका अगला सेशन आता है फीस पेमेंट करने का, एग्ज़ाम फीस पेमेंट करने का, तो हम अपना रेफरेंस नंबर या एनरोलमेंट नंबर एंटर करके हम अपनी एग्ज़ाम फीस करके पेमेंट करके वो एग्ज़ाम हम दोबारा भी दे सकते हैं। एग्ज़ाम फीस दोस्तों टाइम से पेमेंट करना ज़रूरी है। अगर हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो हमारा जून जुलाई में एग्ज़ाम फीस लगेगी, क्योंकि इसके दो सेशन होते हैं, हम अक्टूबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर हमारा अप्रैल में एग्ज़ाम है तो उसकी फ़ीस जो है वो फरवरी या मार्च के बीच में लगती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें दोस्तों, नहीं तो एग्ज़ाम फीस ज़्यादा भी लग सकती है, वो बढ़ती रहती है टाइम, अगर हम टाइम लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो। अब दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर हमारा रिजल्ट आता है और इसमें अगर हमें किसी सब्जेक्ट में ये लिखा होता है कि SYCP, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। मतलब हमें उस सब्जेक्ट का सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, हम थ्योरी में पास हैं, ठीक है। सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल SYCP, ये चीज़ आपको रिजल्ट में नीचे भी मिल जाएगी दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा होता है, एब्रीवेशन भी लिखी होती है, उसकी फुल फॉर्म भी लिखी होती है। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर उसमें लिखा हुआ है SYCT, इसका मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, मतलब हम प्रैक्टिकल में पास हैं, हमें थ्योरी में सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करना है, तो ये इसका मतलब है। एक लिखा होता है दोस्तों SYC, मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, इसका मतलब है दोस्तों हम ना थ्योरी में पास हैं ना हम प्रैक्टिकल में पास हैं, हमें ये दोनों चीज़ें दोबारा देनी पड़ती हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, SYCP लिखा हुआ है और आप थ्योरी दे के चले आए हैं, तो आप फेल हो जाएंगे और आपको फिर दोबारा से सब्जेक्ट के फीस जो है वो भरनी पड़ेगी। और अगर आप SYCT है और आप प्रैक्टिकल दे के चले आए हैं तो भी आप फेल हो जाएंगे, आपका जो चीज़ उसमें लिखा हुआ है आपको वही देना है। अगर आप थ्योरी में फेल हैं तो आपको थ्योरी ही देनी है, और अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको प्रैक्टिकल ही देना है। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी दोस्तों जो मैंने NIOS के बारे में आप लोगों को बताई। अगर आप लोगों को और कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है। अगर आप और जिन लोगों के लिए ये वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो वो प्लीज़ शेयर करिए, हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई NIOS का स्टूडेंट हो, उसके ये वीडियो काम आ जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, और जिस लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो वो लाइक करें, और अगर आपके काम की नहीं है तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर